जो बीजेपी के यहाँ पर जो प्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि राधा कृष्ण किशोर जी ने बहुत सारा पाला बदला और उन्होंने 20 सालों तक इस क्षेत्र पर राज किया, लेकिन उन्होंने हमारे छतरपुर में एक भी कॉलेज, सरकारी कॉलेज जो होना चाहिए उसकी स्थापना उन्होंने नहीं करवाई। इसके पीछे उनकी मंशा क्या थी? मतलब पार्टी बदल बदल के, बार बार रंग बदल के चुनाव में आते हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या हमारे खजूर नुडिया गांव में छतरधारी पुल जो टूट गया था उसमें 7 लोग मर गए, वो ऐसे ऐसे पुल बनाते हैं जो वहाँ पे मरते हैं, वो मरने के लिए पुल बनाते हैं बड़ी जनता के चलने के लिए नहीं। सबसे पहले शिक्षा पे बात करना चाहते हैं कि हमारे दूर दराज से हमारी बहनें लोग बहुत दूर दराज से आते हैं और एक हमारे छतरपुर विधानसभा में, छतरपुर प्रखंड में एक भी महिला महाविद्यालय भी नहीं है, और जो स्थिति है कि अभी यहाँ की कोई भी बहने हमारी जगह भी महिला जो है से विद्यालय नहीं है, महिला उच्च विद्यालय नहीं है। सवाल यह है चारों प्रतिनिधि से कि जो छतरपुर में बीपीएल चावल आता है वो कहाँ जाता है? पब्लिक में तो बढ़ती नहीं, बीपीएल चावल कहाँ जाता है, आप क्या बोलेंगे?